ये सबसे जरूरी चीज है जो आपको करनी ही करनी है एट एनी कॉस्ट। सो ये काम कीजिए एंड फिर देखिए कि उसका कॉल डेफिनेटली आएगा। क्या हुआ, परेशान हो कि एक्स आपको छोड़ के चली गई है एंड अब मुड़कर भी नहीं देख रही। उसने आपको एक दो बार चांस दिया था बट अब वो आने को राजी नहीं है। अगर हाँ यही चीज आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके बाद जो आपकी एक्स है वो दोबारा से आपके पास वापस आएगी ही आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसके लिए आपको थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। कौन से हैं वो थोड़े से एफर्ट्स जानेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उषा कुशवाहा, आप देख रहे हैं दिल टॉक्स। देखिए माय दिल टॉक्स फैमिली, इस चीज को सबसे पहले समझ लीजिए कि अपने एक्स को वापस पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी आपसे फेड अप है, आपसे परेशान है, आपके साथ रह चुकी है, आपको जानती है, तो वो इतनी आसानी से तो वापस नहीं आएगी। इसके लिए थोड़ी सी ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। बट बिलीव मी, अगर ये मेहनत आप शिद्दत से एंड सही तरीके से करेंगे तो कोई बड़ी चीज नहीं है, आने वाले 3 से 4 महीने में आपकी एक्स आपके पास वापस दौड़ी चली है। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है उसको वापस पाने के लिए वो है सेल्फ एनालाइज करना। देखिए जो सबसे जरूरी काम है ना, कि अपने रिश्ते के बारे में शांत दिमाग से सोचना कि वो रिश्ता कैसा था। सामने वाले की कमियां तो हम जानते हैं बट उसके अलावा हमारी कमियां क्या थी, इस बारे में हम ज्यादातर लोग नहीं सोचते। ब्रेकअप के बाद हमारा सारा फोकस होता है कि वो कितनी खराब है, वो कितनी बुरी है, वो कितनी घटिया है, कितनी धोखेबाज है, कितना गलत उसने मेरे साथ किया, जो कि किया भी होगा, इस चीज से मैं इनकार नहीं कर रही। बट कोई भी रिश्ता सिर्फ किसी एक इंसान की वजह से कभी नहीं टूटता। अगर उसमें 1000 कमियां थी, इसके बावजूद 2 कमियां ही सही आप में भी तो रही होंगी ना, तो एक बार उसको साइड करके, उसकी गलतियां आप जानते हैं, उसे साइड कर दीजिए, अपने बारे में सोचिए कि उस रिश्ते में, उस ब्रेकअप में आपकी क्या भूमिका रही, आपकी क्या गलती रही। जब तक आप अपनी गलतियों को नहीं ढूंढ पाएंगे आप उसको वापस नहीं पा सकते। तो ये सबसे जरूरी चीज है जो आपको करनी ही करनी है एट एनी कॉस्ट एंड इसके लिए थोड़ा सा वक्त लीजिए। एंड एक बार जब आपको अपनी गलतियां समझ में आ गई, आपको पता चल गया कि हाँ मैंने भी ये गलती की थी, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको खुद में क्या सुधारना है। तो ये तो हो गया वो काम जो आपको करना है, अपने ऊपर करना है वो वाली मेहनत। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप है कि उसको फिलहाल के लिए थोड़ा सा अकेला छोड़ दीजिए। ब्रेकअप के बाद ज्यादातर लोग अपने एक्स के पीछे इतने बावरे हो जाते हैं कि उसको लगातार कॉल मैसेज करते रहते हैं। एक्स ब्लॉक कर दे तो दुनिया भर के लोगों से कॉल करवाते हैं, उनसे कहते हैं कि वो मनाए, मतलब जीने नहीं देते एक्स को। एक्स को लगता है कि यार ये कब मेरा पीछा छोड़ेगा। तो जितना जल्दी और जितना तेज आप उसके पीछे भागते हो, वो उससे डबल स्पीड से आपसे दूर भागती है। तो आपको क्या करना है, अब रुक जाना है। आपने अभी तक उसको बहुत मना लिया होगा, आई बिलीव इट, आपने बहुत एफर्ट्स लगाए होंगे बट इसके बावजूद वो नहीं मान रहे। सो नाउ इस मेहनत को करना छोड़ दीजिए, थोड़ा सा एक ब्रेक लेने की जरूरत है नाउ इस पॉइंट पर आपको। जब आप उसके पीछे भागना छोड़ देंगे ना, तो वो आपसे दूर भागना छोड़ देगी। आप शांति से बैठ जाएंगे तो वो भी अपनी जगह पर अपने घर में आपको लेकर रिलैक्स हो जाएगी, चल यार अब पीछे नहीं पड़ रहा। एंड इंसान तभी अपना दिमाग चला पाता है जब वो शांत होता है। जब आप उसको वक्त देंगे तभी वो धीरे धीरे इस चीज को समझ पाएगी कि जो उसने ब्रेकअप किया, जो ये ब्रेकअप हुआ, वो सच में जरूरी था। जितनी कमियां वो आप में सोच रही है, क्या सच में आप में इतनी कमियां है? वो खुद ये समझ पाएगी कि उसकी भी इस रिश्ते में, इस ब्रेकअप में गलतियां रही हैं,
अभी तक तो आपको लग रहा है ना उसकी गलतियां हैं, उसको रियलाइजेशन नहीं है। जब आप उसके पीछे पड़ना छोड़ देंगे तब वो एहसास करेगी विद द पैसेज ऑफ टाइम के हाँ इस ब्रेकअप में उसकी भी कोई गलतियां थी। इसके लिए आपको उसके पीछे पड़ना छोड़ना होगा, उसको एक ब्रेक देना होगा। एंड इसके साथ में दूसरी चीज उसके साथ क्या होगी कि उसके अंदर एक एहसास आने लगेगा कि ये अब मेरे पीछे नहीं आ रहा, पहले की तरह मुझे कॉल नहीं कर रहा, पहले की तरह मुझे मैसेज नहीं कर रहा। अब समवेयर उसे आपकी याद आने लगेगी। हो सकता है आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको ये चीज बोली हो कि तेरे को मैं भूल चुकी हूं, तू मुझे कभी याद नहीं आने वाला, मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत तुझसे करती हूँ, तेरे लिए प्यार खत्म हो चुका है एंड आपने इन चीजों को मान लिया है। यकीन मानिए जब दो लोग साथ में होते हैं तो ब्रेकअप करने वाला भी आपको याद करता है, जो आपको गालियां दे रहा है वो भी आपको याद करता है, बट तब करता है जब आप पीछे पड़ना छोड़ देते हैं। इस पॉइंट पर जब आप उसके पीछे पड़ना छोड़ेंगे ना तो उसको अपनी गलती का तो एहसास होगा, साथ ही साथ वो आपको मिस करना शुरू कर देगी। उसे आपकी याद आने लग जाएगी कि एक रिश्ते में आप थे जहां उसको भी आपकी आदत है, सिर्फ आपको नहीं है उसे भी है, उसका मन होगा आपकी आवाज सुनने का, तो उस पॉइंट पर उसको आने दीजिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अपने ऊपर मेहनत करके खुद को इम्प्रूव तो करना ही है, बट थोड़ा कोशिश करनी है ये दिखाने की, उसे ये जताने की कि अब आप लड़कियों के चक्कर में नहीं है। मैनी टाइम आप लोग क्या करते हो, ये दिखाते हो कि देख तेरे को छोड़ के ना ये लड़की पटा ली, ये मुझे पसंद कर रही है, इसके साथ घूम रहा हूं। इससे वो नेगेटिव होगी ना, उसको क्या लगेगा कि अच्छा है इसको छोड़ दिया मैंने, मैंने छोड़ा इसको तो कोई दूसरी पसंद आ गई, इसे प्यार कहते हैं क्या, तो वो आपके लिए नेगेटिव हो जाएगी। ये मत दिखाना, ये दिखाओ कि हाँ यार अब अगर तुझे ब्रेकअप चाहिए, मैंने बहुत मनाया था ठीक है, लेकिन नाउ मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा हूँ। दोनों चीजों में फर्क है, आपको ये दिखाना है कि आप जिंदगी में मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को सुधार के आगे बढ़ रहे हैं, इसको भूलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये नहीं दिखाना कि आपकी नई गर्लफ्रेंड बन गई है, ये नहीं दिखाना। आप स्टेटस पे लगाएं जैसे आप स्कूल जाते हैं, आप कॉलेज जाते हैं, आप वर्किंग हैं, या फिर जो भी आपकी लाइफ में चीजें चल रही हैं, उसको कभी कभी आप स्टेटस पे लगा सकते हैं, रोज नहीं कभी कभी। कहीं दोस्तों के साथ में शांति से बैठे हुए हैं, गपशप चल रही है, फैमिली फंक्शन है, वो आप स्टेटस पे लगा सकते हैं। कुछ मोटिवेशनल चीजें, कोटेशंस आप लगा सकते हैं जो उससे रिलेट नहीं करती हो, प्यार भरी दुख भरी नहीं लगानी है, मोटिवेशनल चीजें लगानी है। इससे वो जब आपके स्टेटस को देखेगी ना तो समवेयर उसे अच्छा महसूस होगा एंड उसको ये भी लगेगा कि आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। एंड जब उसको ये पता चलेगा कि आप आगे बढ़ रहे हो ना, तो वहां पर वो घबरा जाएगी, क्या ये भूल गया तो मेरा क्या होगा। एंड बिलीव मी ऐसा होगा, ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आप उसके पीछे पड़े हो, आप उसको छोड़ दो उसकी जगह पर उसकी कंडीशन पर, वो अपने आप ही आपके पास आने लगेगी। इसके लिए आपको उसे वक्त देना पड़ेगा, उसके पीछे पड़ना छोड़ना पड़ेगा। फिर आप देखेंगे जैसे 2 या 3 महीने बीतने के बाद जब आपने उसको कॉल नहीं किया, परेशान नहीं किया, वो आपसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेगी, आपको कभी कॉल करेगी या कोई मैसेज करेगी एंड जनरली बात करेगी। ऐसे में आपको जनरली ही बात करनी है, ब्रेकअप की बात नहीं करनी, रोना धोना नहीं करना है। एंड जब भी आप बात करो तो आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाना, नॉर्मली बात करनी है एंड ये दिखाना है कि नाउ आप कितने सुधर चुके हो, जो गलतियां आपको अपने अंदर दिखी थी ना, आपको ये दिखाना है कि आपने अपने आप को कितना इम्प्रूव कर लिया है एंड जिंदगी में आगे बढ़ के कुछ करना चाहते हैं। जब आपके अंदर वो इंप्रूवमेंट देखेगी तब उसको आपकी याद आने लगेगी, तब वो आपसे कनेक्ट होना चाहेगी। सो ये काम कीजिए एंड फिर देखिए कि उसका कॉल डेफिनेटली आएगा एंड वहां पर आपकी गेम शुरू होती है। जब जब वो आपको कॉल करेगी आपको उठाना है, उसके पीछे नहीं पड़ना,
आई लव यू वाली बातें नहीं करनी है, दोस्त की तरह बातें करनी है, और धीरे धीरे जो आपका रिश्ता है ना वो पहले की तरह इम्प्रूव होने लगेगा, पहले की तरह बेटर होने लगेगा। बट ये ध्यान रखना है कि इस बार कॉल उसे ही करने दीजिए, आपको उसके पीछे नहीं पड़ना है। बहुत सारे लोग एडवाइस देते हैं कि यार गर्लफ्रेंड बना लो, उसको नीचा दिखाओ, उसको छोटा दिखाओ। इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे आप अपनी इंपॉर्टेंस गिरा लेते हैं, अपने आप को छोटा बना देते हैं उसकी नजरों में। तो ये गलत काम कभी मत करना, ऐसे में लौट के नहीं आने वाली। इन चीजों को फॉलो कीजिए एंड आई एम श्योर इसका रिजल्ट आपको देखने के लिए डेफिनेटली मिलने वाला है। होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी होगी। बस इसी मेरे साथ विदा दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।